नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। आशा करता हूँ आप सभी भी स्वस्थ मस्त और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चे, एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक है, जिसको सर पे हैं वो भी कह सकते हैं। तो बीएससी पार्ट जो सेकेंड वाले का एग्ज़ाम है बच्चे हाल फिलहाल में, तो उनका जो फिजिक्स ऑनर्स, जिनका भी फिजिक्स ऑनर्स है, उनके लिए हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो फिजिक्स ऑनर्स में पेपर 3 और पेपर 4 हुआ था बीएससी पार्ट 2 वाले का, फिजिक्स वाले का, उनका हम 2020 का क्वेश्चन लाए हैं बच्चे। ये आप देख लें ताकि इसको आपको सिलेबस भी पता चल जाएगा, पैटर्न क्या रहता है वो भी पता चल जाएगा, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है ये सब भी आपको मिल जाएगा बच्चे। ओके, तो अच्छे से देखें, इस पर एनालिसिस करें, खुद से एनालिसिस करें, कौन कौन सा टॉपिक आपको आता है उस सब टॉपिक को और अच्छे से तैयार करें, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है बच्चे उसको देखें और अच्छे से पढ़ाई करना शुरू करें। जितना अच्छा पढ़ाई कीजिएगा उतना अच्छा नंबर आएगा बच्चे। अगर कहीं टॉप कर गए तो इस बार से नया रूल क्या है कि जो भी बच्चे टॉप करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले को प्राइज़ मनी दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है बच्चे। ऐसा नोटिफिकेशन आया है और इस बार से लागू करेगा भी, प्रत्येक कॉलेज लागू करेगा, LNU का ऐसा ऑर्डर है। ओके बच्चे, तो उसका भी लिंक, हम पूरा वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ आपको मिल जाएगा बच्चे। और पेपर को अच्छे से लिखें, अंतिम पेज तक लिखें, प्रत्येक वीडियो में हम बताते हैं ज़्यादा नंबर लाने के लिए क्या लिखें, कहाँ से लिखें, तो अच्छा कंटेंट लिखें बच्चे, हैंडराइटिंग अच्छा कर लें। और तीसरी बात, अंतिम पेज तक जो भी आपको नोटबुक दिया जाएगा एग्ज़ाम में लिखने के लिए, उसके अंतिम पेज तक लिखें, तब जाके आपको अच्छा नंबर देगा बच्चे। ओके, तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं बच्चे। ये फिजिक्स पेपर 3 है, पेपर 4 भी हम डिस्कस करेंगे, फुल मार्क 75 का 34 नंबर, जिसमें आपका पास मार्क होगा। किसी 5 क्वेश्चन का जवाब देना होगा बच्चे, देख लीजिए कौन कौन क्वेश्चन है। फर्स्ट आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट है एक्सप्लेन द नोडल एंड कॉर्डिनल पॉइंट ऑफ ए सिस्टम एंड कोएक्सियल लाइंस, बी है स्टेट एंड एक्सप्लेन कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का क्या कंडीशन है उसको आपको एक्सप्लेन करना है बच्चे। सी है एक्सप्लेन हेल्महोल्ट्ज एंड लैग्रेंज इक्वेशंस। नेक्स्ट देखिए, उसी में डी है एक्सप्लेन द रेलिग्स क्राइटेरियन फॉर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ई है व्हाट इज ब्रेस्टर्स लॉ गिवन एप्लीकेशन ऑफ इट। लाइट से है बच्चे वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स, वो आपका सिलेबस में ज़्यादा है, तो रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसी में एफ है व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर। बच्चे थोड़ा स्कैन करें, अच्छे से क्वालिटी से स्कैन नहीं हुआ, लेकिन हम सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो कौन कहाँ क्या लिखा हुआ है, तो आप सुने ध्यान से सुने। व्हाट इज़ ऑप्टिकल फाइबर, गिव द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन इट्स वर्किंग, इसके वर्किंग में क्या क्या है उसको आपको लिखना है। ग्रुप ए से देखिए बच्चे, स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्मेट्स प्रिंसिपल, यूज़ दिस प्रिंसिपल टू ड्राइव द लेंस फार्मूला। फर्मेट प्रिंसिपल को आपको एक्सप्लेन करना है और उसी के प्रिंसिपल से आपको लेंस फार्मूला आपको बताना है, उसको ड्राइव करना है। थर्ड है डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ डिफ्रैक्शन एट ए स्ट्रेट एज एंड सो डैट द बैंड्स प्रोड्यूस आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। अच्छे से हम बोले हैं बच्चे, फिर से सुन लें, डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन के थ्योरी को आपको डिस्क्राइब करना है एट ए स्ट्रेट रेज एंड सो डैट द बैंड्स प्रोड्यूस आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। फोर्थ नंबर देखें, गिव द थ्योरी ऑफ न्यूटन्स रिंग्स, हाउ द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज डिटरमाइंड। गिव द थ्योरी ऑफ न्यूटन्स रिंग, हाउ द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज डिटरमाइंड। फिफ्थ नंबर है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, फाइंड एन एक्सप्रेशन ऑफ रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। ओके बच्चे, ये 5 क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ग्रुप बी से है स्टेट मैक्सवेल्स फील्ड इक्वेशन एंड ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ए मीडियम ऑफ परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी। ओके, सेवेंथ है ड्राइव फ्रिजनल्स फॉर्मूला फॉर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट, व्हाट इज ब्रेस्टर एंगल। एट्थ है एक्सप्लेन प्रोडक्शन एंड डिफेक्शन ऑफ लीनियरली इलेप्टिकली एंड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। नाइन्थ है राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, किसी 2 पर शॉर्ट नोट्स लिखना है, पॉइंटिंग वेक्टर, जोन प्लेट, बेसिनेट्स, कंपेंसेटर और ट्रांसवर्स नेचर ऑफ EM वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये पेपर 3 का सिलेबस था बच्चे बीएससी पार्ट 2 फिजिक्स ऑनर्स वाली का। ओके, पेपर 3 पेपर 4 भी हम आपको बताते हैं,
पूरे वीडियो में बने रहे बच्चे अंत तक। नेक्स्ट देखते हैं, आइए बच्चे पेपर फोर देखते हैं, सीधे क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर है स्टेट एंड प्रूव रेसिप्रोकसिटी थ्योरम, बी है एक्सप्लेन हाउ लॉज ऑफ ईएम वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लीड टू सेल्फ इंडक्शन इन ए कॉइल, सी है एक्सप्लेन द थियोरी ऑफ जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, डी है एक्सप्लेन ए एंड बी ऑफ ए ट्रांजिस्टर फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन देम। ओके, अच्छे से नोटबुक लिख ले बच्चे और देख ले कि आपका कौन कौन सा टॉपिक कंप्लीट है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है तो उसको आप अच्छे से तैयार करें। कम से कम जो आ रहा है उसको अच्छे से लिखे बच्चे, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा आपको लिखना पड़ेगा, तो अभी से लिखने का प्रैक्टिस करें, नहीं तो आपका क्वेश्चन छूटने का चांस है बच्चे। ओके, ईसी में देखिए ई नंबर, गिव द ऑर्थोनेशनल प्रिंसिपल ऑफ एन ए एन डी गेट हाउ इट इज़ यूनिवर्सल गेट, एन ए एन डी गेट को यूनिवर्सल गेट कैसे कहा जाता है तो ये भी आपको बताना है। एफ है डिफाइन इलेक्ट्रिकल पावर ऑब्टेन द पावर फैक्टर ऑफ एन ईसी सर्किट। ग्रुप ए से देखिए, गिव द थियोरी ऑफ बैलिस्टिक्स गैल्वेनोमीटर एंड एक्सप्लेन इट्स यूज टू मेजर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल। थ्री उसी में इन्वेस्टिगेट द ग्रोथ ऑफ करंट इन एलसीआर सर्किट सब्जेक्टेड टू ए स्टेडी ईएमएफ। फोर्थ है एक्सप्लेन हाउ ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड एंड हैंस डिस्कस द थियोरी ऑफ इंडक्शन मोटर। फिफ्थ है एक्सप्लेन टी एंड टी टी इक्विवेलेंट टू पोर्ट नेटवर्क नॉन एस्टेब्लिश देयर इक्विवेलेंस एंड एस्टेब्लिश देयर इक्विवेलेंस। सिक्स्थ है बच्चे ग्रुप बी का, एक्सप्लेन विथ सर्किट डायग्राम द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए ट्रांजिस्टराइज्ड हार्टली ऑसिलेटर। सेवेंथ देखें, डिस्क्राइब टू स्टेज ट्रांजिस्टर आरसी कपल्ड एम्पलीफायर एंड कैलकुलेट इट्स वोल्टेज गेन इन मिड लो एंड हाई फ्रिक्वेंसी रीजन्स। एट्थ है स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन्स थियरी व्हाट इज मीन्ट बाय डी मॉर्गनाइजेशन। नाइन्थ, राइट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, किसी दो पर नोट्स लिखें, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड पर लिखें या मॉसफेट पर लिखें, एनएनडी या नॉर गेट पर लिखें, जीनर डायोड पर लिखें। ओके बच्चे, ये पेपर फोर का सिलेबस था, अच्छे से देख लिए, सभी को हम स्पष्ट क्लियरली बोले हैं, क्योंकि स्कैन सही से नहीं हो पाया तो थोड़ा लगता है ब्लर है, तो आप अच्छे से हमारा आवाज़ सुने। नोटबुक को लिख लें बच्चे, नोटबुक को लिखने से आपका मेमोराइज दिमाग और उसको अच्छे से स्कैन कर लेगा, आपको अच्छे से टॉपिक पता चल जाएगा। तैयार करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बच्चे, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर कहीं क्वेश्चन कुछ इधर उधर से आ रहा है तो आपको हम अवेलेबल कराएंगे अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर। ओके, तो वहाँ से भी जुड़ जाए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है बच्चे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जो बच्चे पहले से सब्सक्राइब किए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे बच्चे देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ कर दे सब्सक्राइब, धन्यवाद बच्चे।